मालदीव की 2023 में मुस्लिम आबादी कितनी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको मालदीव के 2023 के मुस्लिम आबादी के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आज हम जानेंगे मालदीव के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, मालदीव चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हिंद महासागर में बसा एक द्वीपीय देश है। मालदीव की खूबसूरती बेमिसाल मानी जाती है, जिस वजह से मालदीव पूरे दुनिया में मशहूर है, जो भारत के दक्षिण में स्थित है और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। मालदीव का क्षेत्रफल करीबन 298 वर्ग किलोमीटर इतना है, जिसमें से कुछ हिस्सा भारत के लक्षद्वीप के टापू में बना हुआ है। मालदीव करीबन 1192 छोटे बड़े टापुओं से मिलकर बना हुआ एक छोटा सा देश है, जिसका करीबन 95% हिस्सा पानी से भी घिरा हुआ है। वैसे तो मालदीव बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन यह दक्षिण एशिया का सबसे अमीर देश है। मालदीव न सिर्फ एशिया का सबसे छोटा देश है, बल्कि यह पूरी दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम देश भी है। यहाँ 1997 में बने संविधान के मुताबिक यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए मुस्लिम होना अनिवार्य है। मालदीव की राजधानी माले है और यह मालदीव का सबसे बड़ा शहर भी है। मालदीव की राजकीय भाषा दिवेही है। इसके अलावा यहाँ हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। मालदीव एक ऐसा देश है जहाँ पर भारतीय लोग बिना वीजा घूमने जा सकते हैं। इस देश में बहुत सारी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, जिसको देखने के लिए हर साल करीबन 10 लाख से भी ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। मालदीव एक मुस्लिम देश है, फिर भी यहाँ की महिलाओं को मॉडर्न ड्रेस पहनने की पूरी आज़ादी है। मालदीव की मुद्रा का नाम मालदीवियन रुपया है, जिसकी कीमत भारत के 4.65% जितना है। मालदीव में सिर्फ मालदीवीय जाति के लोग बसते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, जो सुन्नी समुदाय के लोग हैं। मालदीव में बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसी हैं जो समुद्र के ऊपर बनाए गए हैं, जिसके कारण लोग डिनर के वक्त समुद्र का लुत्फ़ उठा सकते हैं। मालदीव में दूसरे देशों की तरह सैटरडे और संडे को वीकेंड नहीं होता, बल्कि फ्राइडे और सैटरडे को होता है। मालदीव में वेल और डॉल्फिन मछली की 21 प्रजातियों का घर माना जाता है। मालदीव के समुद्र में कई तरह की शार्क मछली पाई जाती है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। मालदीव की आय का एक तिहाई हिस्सा टूरिस्ट से आता है। टूरिस्ट के लिए मालदीव को इस पूरे दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में माना जाता है। यही कारण है कि मालदीव की कुल इनकम का लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले टूरिज्म से ही आता है। मालदीव के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मालदीव का सबसे ऊंचा स्थान भी समुद्र से सिर्फ 2.5 मीटर ऊंचा है, इसीलिए भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफी परेशानी हो सकती है। मालदीव में औसत आयु 32.1 वर्ष है। तो दोस्तों, ये थी मालदीव की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन। अब आइए जानते हैं मालदीव की मुस्लिम आबादी के बारे में। दोस्तों, मालदीव की मुस्लिम आबादी के बारे में जानने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए जानते हैं मालदीव की मुस्लिम आबादी और उसकी जनसंख्या के बारे में। दोस्तों, वर्ल्डोमीटर के अनुसार मालदीव की मौजूदा समय की जनसंख्या 5,20,651 इतनी है। मालदीव की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 0.01% के बराबर है। दोस्तों, मालदीव की 2023 की मुस्लिम आबादी के बारे में बात करें तो मालदीव की 2023 की मुस्लिम आबादी 5,13,361 इतनी है। यानी मालदीव में 98.6% आबादी इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। वहीं बात करें मालदीव की 2023 की बौद्ध धर्म की जनसंख्या की, तो मालदीव में बौद्ध धर्म की जनसंख्या 3,123 इतनी है। यानी मालदीव में बौद्ध धर्म को मानने वालों की आबादी 0.6% है। वहीं बात करें मालदीव की 2023 की ईसाई धर्म की जनसंख्या की, तो मालदीव की 2023 की ईसाई धर्म की जनसंख्या 2,603 इतनी है। यानी मालदीव में ईसाई धर्म को फॉलो करने वालों की आबादी 0.5% इतनी है। तो दोस्तों, ये थी मालदीव की 2023 की मुस्लिम आबादी की इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आपको मालदीव के अलावा किसी अन्य देश की मुस्लिम आबादी या उसकी जनसंख्या के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।